हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और हम लोग हैं साल्ज़बर्ग सिटी में, जो कि ऑस्ट्रिया में है। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं म्यूनिक के लिए। म्यूनिक जर्मनी की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। म्यूनिक का नाम सुनकर तो आपके दिमाग में क्या आता है, ऑक्टोबर फेस्ट या BMW? तो चलिए चलते हैं म्यूनिक। साल्ज़बर्ग से म्यूनिक जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी पर्सनली कार से जा सकते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं बाय ट्रेन। ट्रेन की टिकट्स हमने ऑनलाइन बुक कर ली है और अभी हम पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन खड़ी है। हम लोग ट्रेन से लगभग 2 आवर्स की जर्नी करके म्यूनिक पहुँचेंगे। और जर्मनी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब कुछ जर्मन लैंग्वेज में लिखा होता है और यहाँ ट्रेन में अनाउंसमेंट भी जर्मन लैंग्वेज में ही होती है। और हम लोग पहुंच चुके हैं म्यूनिक और अब हम लोग करते हैं सिटी को एक्सप्लोर। यहाँ पर भी स्नोफॉल चल रहा है तो हम लोग पूरी सिटी को वॉक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम लोग हैं अभी सिटी सेंटर में और यहाँ से हम चलते हैं अपना फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस, जिसका नाम है ग्लाइपोटेक। इट इज़ द ओल्डेस्ट पब्लिक म्यूज़ियम इन म्यूनिक सिटी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ग्रीक्स का आर्किटेक्चर, रोमन्स के स्टैच्यू। और यहाँ पर विज़िट करने के लिए आपको 6 यूरो का एंट्री टिकट रहेगा और यदि आप संडे विज़िट करते हैं तो यहाँ की एंट्री टिकट रहती है 1 यूरो। यहाँ से हम लोग जाते हैं इंग्लिश गार्डन। इंग्लिश गार्डन म्यूनिक का सबसे बड़ा गार्डन है और यहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी एक्टिविटी जिसका नाम है सर्फिंग। तो हम लोग जा रहे हैं सर्फिंग देखने के लिए, जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिस्ट बहुत सारे लोग खड़े हैं। इतना स्नोफॉल में भी लोग सर्फिंग कर रहे हैं यहाँ। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे खड़े खड़े आपका टाइम कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी बढ़िया सी एक्टिविटी देखने के बाद हम लोग चलते हैं म्यूनिक सिटी के ओल्ड टाउन में। मेन एंट्रेंस गेट इधर से है। दिस इज़ द म्यूनिक रेसिडेंस। यदि आप आर्किटेक्चर और हिस्ट्री बहुत पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। ओडियन प्लाट्स। दिस इज़ द लार्ज स्क्वायर इन सेंट्रल म्यूनिक। और जो आप ये येलो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है चर्च। ये फेमस है अपने इंटीरियर के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, लंच टाइम हो ही चुका है। तो हम लोग चलते हैं संगीत रेस्टोरेंट, जो कि सिटी सेंटर में ही है। और यहाँ पर है राजस्थानी डेकोरेशन। लग तो बहुत सुंदर रहा है, शायद खाना भी अच्छा ही हो। तो हमने यहाँ पर मंगवाया है मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी राइस। खाना बहुत टेस्टी था। बढ़िया से खाने के बाद हम लोग चलते हैं मरीन प्लाजा स्क्वायर।
जो कि 900 ईयर ओल्ड है एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव बिल्डिंग इन म्यूनिक सिटी एंड दिस इज़ द हार्ट ऑफ द म्यूनिक सिटी। इस स्क्वायर पे जो भी इवेंट्स होते हैं, कल्चरल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स या फेस्टिवल, सारे इवेंट्स इसी जगह पर होते हैं। और ये है सिटी का ओल्ड टाउन और क्लॉक टावर। क्लॉक टावर के ऊपर से भी आप पूरी सिटी का व्यू देख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों के अलावा आप देख सकते हैं विक्चुअल मार्केट, ये नेशनल थिएटर। यदि आप शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर सारे ब्रांड्स के शोरूम्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये जो वाइट कलर का गेट है, इसका नाम है कार्लस्टर। दिस इज़ द बिगेस्ट पेडेस्ट्रियन एरिया इन म्यूनिक। और ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर फाउंटेन होते हैं और म्यूनिक सिटी का सबसे बिजी एरिया यही है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।